आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि हम पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिवाइस एंड सर्किट सब्जेक्ट के अंदर, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले डायोड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें हमने जाननी पड़ेगी कि इस जो जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर मैटर मींस जिस हिंदी में हम पदार्थ भी कहते हैं, तो मैटर का जो कंसेप्ट है वो हम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर फील टच एंड हैव एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। मींस एनीथिंग विच कैन बी मेजर एंड हैव एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। जो भी चीज हमें जो देख सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, वो मैटर कहलाती है। तो दोस्तों, मैटर में क्या हम एग्जांपल में बता सकते हैं? वुड, लकड़ी, एयर, हवा एंड वाटर मैटर होती है। तो मैटर को हम डिफाइन करते हैं, जैसे वुड क्या हो गया आपका, सॉलिड हो गया, ठोस। एयर क्या हो गया, गैस हो गया। वाटर ये आपका लिक्विड हो गया, मींस द्रव। अब दोस्तों, हर मैटर कुछ न कुछ चीज से बनी है। जैसे हमारे शरीर जो है सेल से बनी है, छोटे छोटे सेल से बनी है, ठीक उसी तरह से दीवार किस चीज से बनी है, छोटे छोटे ईंट की बनी है, ईंट के टुकड़ों से बनी है, उसके बाद ही एक पूरा दीवार बन पाता है। तो कोई पूछेगा कि भाई ये जो दीवार है उसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तब बोलेंगे ईंट, ईंट से ही मिलकर बना है। सेम चीज दोस्तों, मैटर जो होता है वो भी एटम से बना होता है। तो एटम से ही सारा चीज, हर दुनिया का हर चीज बना है। जो प्योरेस्ट मैटर है, जो सिंगल एटम से बना होता है, उसको एटम बोलते हैं, सिंगल यूनिट से बनता है, तो हम बोलेंगे एटम किसे कहते हैं? तो बोलेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट ब्रेक। दोस्तों, एक्चुअली एटम कैसे पता चला? वैज्ञानिकों ने क्या किया, किसी पदार्थ को एक लिया, उसको छोटे 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 टुकड़े में ब्रेक करते गए, तो जो सबसे लास्ट टुकड़ा, जो उसके बाद उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता या उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो समझे, एटम किसको बोलते हैं? किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा टुकड़ा जिसको फिर नहीं तोड़ा जा सकता, वो एटम कहलाता है। एग्जाम्पल किसी भी मैटर का होता है, जैसे कार्बन का एटम होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन का होगा, नाइट्रोजन का होगा, ईटीसी एक्सेट्रा। अब दोस्तों, ये तो प्यूरेस्ट फॉर्म में था एटम। अब दोस्तों, बहुत सारे चीज ऐसे पाए जाते हैं हमारे धरती पे जिसका एक सिंगल एटम से नहीं बनता, वो मिक्सचर होता है या वन या मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम से बनता है। तो उसमें क्या है, जैसे देखिए, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है दोस्तों? मॉलिक्यूल्स, इट कंसिस्ट वन और मोर देन वन एटम एंड अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, पार्ट ऑफ दैट मैटर।
अब एग्जांपल में देखेंगे दोस्तों मॉलिक्यूल्स का। ऐसे देखिए मॉलिक्यूल का एग्जांपल CO2 H2O या कोई भी CH3 ETC। इसका देखिए दोस्तों एक कार्बन और दो ऑक्सीजन एटम से बना है, इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एटम से बना है, इसमें एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन एटम से बना है दोस्तों। तो इसका जो सबसे छोटा सा टुकड़ा होगा, अगर आप CO2 को तोड़िएगा, हाइड्रोजन H2O वाटर को तोड़िएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और CH3 को तोड़िएगा, तो आपको जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा वो इसका मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं एटम जान गए और मॉलिक्यूल जान गए। आप जानते हैं कि एटम बना आखिर कैसे, अब एटम है उसके भी तो अंदर कुछ न कुछ होंगे। तो दोस्तों एटम क्या है, उसमें भी अंदर छोटे 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 और टुकड़े होते हैं, मतलब उच्च जो सा बना है उसके अंदर होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इस तीनों को बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल। तो दोस्तों सब एटॉमिक पार्टिकल इसको बोलते हैं, तो बोलते हैं हम बोलेंगे कि एटम मेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल, या एटम कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। अब दोस्तों देखिए जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए एक एटम है, मान लीजिए छोटा सा एटम है, अगर एटम को हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे अंदर जो सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसको क्या बोलते हैं सेंटर वाले को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस है द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। अब हम जानेंगे कि एटम क्या चीज से बना है, अभी तक जान लिया हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों हम जानेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन दोस्तों बताएं कि यह एटम सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर होता है, ये दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका मास दोस्तों 1.67 पूरे 10 के पावर -27 kg होता है, समझिए कितना छोटा है, 10^-27 kg मीन्स 1.67 के अगर आप 0.1 के दशमलव दे करके लेफ्ट साइड में 27 आपको जीरो देना पड़ेगा, उसके बाद आप दशमलव समझिए 0.00 उसके बाद 27 बार आपको 27 दो इधर है आपको 25 बार जीरो देना पड़ेगा, समझिए कि 0.00000000 25 जीरो के बाद 1.67 आएगा, इतना छोटा है। तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका मास 1.67 × 10^-27 kg होता है दोस्तों। दूसरा हुआ आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दोस्तों इसको न्यूट्रल कहते हैं, मीन्स कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, इसमें नो चार्ज होता है और इसका भी मास सेम होता है 1.6 × 10^-27 kg। अब आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसको हम ई से दर्शाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही छोटा होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका जो मास है ना 1/1850 टाइम्स लेस होता है किसका मास से, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास से, समझ जाइए, मतलब जितना प्रोटॉन का मास हम देख रहे थे 0.00025 × 1.67 आ रहा था, उसमें अगर आप 1850 से आप डिवाइड करिएगा तो आपको लगभग 0.00000 मीन्स आपको आइडियली इलेक्ट्रॉन का मास जीरो होता है दोस्तों, 0 kg,
इसे मास होता ही नहीं, वेट लेस है, वेट ही नहीं है। तो आप जान गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब आप देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा दोस्तों, पीरियोडिक टेबल जो होता है, पीरियोडिक टेबल में आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, हीलियम इसके पास आएगा, तो आपने देखा होगा। तो ऐसे करके ये जो होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं और ये रो होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आपको कार्बन का आपको 14 मिलेगा। इसी तरह से आपको ऐसे ऐसे आप देखेंगे, सॉरी कार्बन का 6 आपको मिलेगा, इस तरह से आपको वो होते जाता है, इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल में आप एटॉमिक नंबर देखते होंगे और ऊपर में मास लिखा हुआ आपको मिलते होंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि कोई भी ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, उसकी आप सब्सक्रिप्ट में नीचे लिखे हो देखे होंगे C6 ऊपर में 12, तो इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। जो ऊपर जो लिखा रहता है दोस्तों उसको मास नंबर बोलते हैं और नीचे जो लिखा रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जैसे आपने जाना अभी थोड़ा देर पहले दोस्तों कि हर एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आपको कोई पूछेगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है वो होता है आपका किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर कहलाता है। फिर क्या हुआ दोस्तों, मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर क्या है आपका कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आपका मास नंबर आ जाएगा। देखिए अब आपको थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं, एटॉमिक नंबर आप जान गए, मास नंबर जान गए, दूसरी तरह से आपको एग्जांपल हम थोड़ा बताते हैं। मान लिया जाए कि हाइड्रोजन 1, 2 लिखा हो, मतलब इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है। इसी तरह से आपको हम एल्यूमिनियम का 13, 27 ऐसा कुछ लिखा है, समझ, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मास नंबर 27 है, मीन्स मास 27 है। तो नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि एक एटम में प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है जब वो क्या हो, एटम न्यूट्रल हो, बोले तो जिसमें कोई भी चार्ज नहीं हो, जीरो चार्ज हो, तो न्यूट्रल होता है। तो चूंकि हम थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटॉन का जो मास होता है इक्वल टू न्यूट्रॉन का मास होता है, वो क्या होता है 1.67 × 10^27 kg, इसको हम 1 amu, 1 atomic mass unit भी बोलते हैं। बोले तो एक एटम का मास मिनिमम इतना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर ही उसका मास नंबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ही उसका मास नंबर होता है। तो दोस्तों अगर आपको पता चल गया कि मास नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का यहां पर निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, बस इसको इधर ले गया, ये आ गया आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मास नंबर से कटा दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपका हो गया। अब आपको थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, आयन क्या होता है। देखिए दोस्तों
हम बताए हैं कि कोई एटम है उसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, हम बताए हैं उसमें अगर वो न्यूट्रल है तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे, कब, जब वो न्यूट्रल है तो। बट जब कोई भी एटम कहीं से उसको एक्स्ट्रा से कोई चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज उसको नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे। मान लिया जाए तो अब यहां पर देखिए कि कहीं से आपको मान लीजिए जितना न्यूट्रल में देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों बराबर हो सकते हैं न्यूट्रल में, बट एटम में बताएं कि कहीं से अगर मान लीजिए उस एटम को कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज। सेम चीज दोस्तों, अगर वही एटम है मान लिया जाए कि कहीं किसी और एटम को उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो अब वहां से एक खाली हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो अभी क्या हो गया यहां पर दोस्तों कि इसको बोलेंगे कि यह एटम पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें देखिए क्या हुआ, पहले से क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं रहा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले से जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था उससे एक बढ़ गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज में देखिए क्या है दोस्तों कि एटम है, यहां पहले क्या था जब इसके पास कुछ भी चार्ज नहीं था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर बराबर था, अभी क्या एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, बोले तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ, यहां पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बराबर नंबर इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हो गया इस एटम में पहले वाला देखिए जो एक दिया था नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे कम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो गया, ये हमने लेस देन लिखा है, इधर जो होता है लेस देन होता है और ये जो बड़ा मुंह जो दिख रहा है इधर ग्रेटर होता है। सेम इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अब बढ़ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो ये क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज। तो दोस्तों आप देखें कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर से देखें अगर कोई एटम है उस पास कुछ भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल कहलाता है, उसमें क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों बराबर होंगे। अब मान लीजिए कोई एटम है उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, अभी तब क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है आपको बताएं, तो उसमें नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा उसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन में कम हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा एटम हमने लिया एग्जाम्पल में कि ए फिर न्यूट्रल है तो सब बराबर था, लेकिन अभी क्या हुआ इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई तो पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा हमेशा बढ़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा। आयन में क्या होता है दोस्तों कि उसमें कोई एटम है ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इधर से दे दिए उसको हीट कर दिए या किसी और मेथड से दे दिए तो इसी एटम में क्या होगा हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि सब धीरे एक एक सेल होता है, हर सेल में इलेक्ट्रॉन अपने अपने जगहों पर घूमते रहते हैं उसमें रहते हैं, उसमें एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा ना कि मान ले कि इस सेल में है हर एक, देखिए इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है अपने अपने पाथ पे तो क्या होगा उस एनर्जी के कारण यहाँ से हट करके कहीं इन बिटवीन कहीं घूमने लगेगा वो, तो उस समय क्या होगा वो आयन बन जाएगा, वो एक एक्चुअली डिटैच नहीं हुआ होगा अपने पैरेंट एटम से बट क्या होगा ना कि अपने इन बिटवीन कहीं वो फ्री हो जाएगा तो वो आयन कहलाता है।